गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मोबाइल पर स्कूल। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड तीनों बोर्ड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्लास टेंथ साइंस आपका लिया गया है और साइंस में बेसिकली आपका जो फिजिक्स है वो यहाँ पे लिया गया है। फिजिक्स में देखिए आपको जो 25 नंबर का आपका आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, उसमें क्या होता है कम से कम 12 से 13 नंबर आपके न्यूमेरिकल आते हैं, इसलिए आपका जो न्यूमेरिकल है यानी कि जो सवाले हैं उसको भी आपका कवर करना वो भी जरूरी है। थ्योरी के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल भी लगाना ही पड़ेगा, तो इसलिए आज की वीडियो आए हैं आपको बेसिकली आपका न्यूमेरिकल के लिए ही है। आपको इसमें 3 से 4 न्यूमेरिकल बताए जाएंगे और वैसे न्यूमेरिकल आपको बताए जाएंगे कि जो कि आपकी कई साल वो आए हुए हैं। आपका जो टारगेट है ये 95% है और बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपका ये चैनल मोबाइल पर स्कूल आपको फ्री में पीडीएफ और नोट्स प्रोवाइड करा देगा। आपको टेलीग्राम चैनल मोबाइल पर स्कूल वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वेबसाइट जो है आपके मोबाइल पर स्कूल वहाँ मिल जाएगा। टारगेट 95% है और इसका जो लिंक है आपको सीधे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए आपको क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला ही क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल क्या है, 3×10^8 है। वायु में प्रकाश की चाल 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड है और 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल हमें ज्ञात करनी है। तो बता रहे हैं वायु में जो प्रकाश की चाल है वो 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड है और जो कांच है इसका अपवर्तनांक क्या है, 3/2। इसका हमें प्रकाश की चाल यानी कि हमें प्रकाश की चाल इसके माध्यम से बताना है कि प्रकाश की चाल कितनी होगी। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2018 में आया, 19 में आया, 21 में आया, ये आपका 3 साल देखिए आया हुआ है, तो इस साल भी आपके आने के इसके फुल चांसेस हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे लगी आपकी ये सवाल। तो पहले हम लिख लेंगे कि वायु के सापेक्ष जो प्रकाश की चाल है या पदार्थ का जो अपवर्तनांक है उसको लिखते हैं। तो देखिए वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष पदार्थ का अपवर्तनांक, पदार्थ का अपवर्तनांक आपने इसको लिख लिया। अब इसके बाद देखिए क्या लिखना है हमें, एएनजी यानी कि इसका मतलब ये है कि हमें जो कांच का देखिए अपवर्तनांक हमें निकालना है, प्रकाश का देखिए चाल हमें निकालनी है और कांच का अपवर्तनांक हमको दिया हुआ है उसी माध्यम से जिसको निकाल लेंगे। तो एएनजी बराबर क्या होगा यहाँ पे आपका कि वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल आपको दिया हुआ है तो ऐसे लिख लेंगे, वायु में प्रकाश की चाल ऐसे ही आप लगाएंगे तो आपके जितने सारे क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। बाकी आप कोई अदर ट्रिक अपनाते हैं तो वहाँ से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इस ट्रिक से हम आपको जाने पूरा आपको यकीन दिला रहे हैं आपका अच्छे तरीके से लग जाएगा। देखिए आपका दिया है वहाँ प्रकाश की चाल, ठीक, प्रकाश की चाल आपको दिया ही हुआ है, इसको हमने लिख लिया। देखिए प्रकाश की चाल हमें कहाँ पे दिया, वायु में दिया गया है, इसलिए हमने लिखा वायु में प्रकाश की चाल। अब पूछ कहाँ रहा है कि अपवर्तनांक वाले कांच में, तो हमें कांच में पूछ रहा है, तो ये आप ध्यान दीजिए बेसिकली अंतर यही है कि वायु में दिया हुआ है और कांच में हमसे पूछ रहा है, तो इसको लिख लिए हम, ठीक। अब देखते हैं बटे क्या होगा, बटे आपका होगा कांच में प्रकाश की चाल, पूछ रहा है ना कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चल, ठीक है। अब देखते हैं हमें क्या दिया हुआ, क्या हमें दिया हुआ क्या है, अब क्या इसके माध्यम से इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए इसका मान दिया हुआ है आपका 3/2, ये आपका 3/2 मान है एएनजी, देखिए आपका जो मान इसमें दिया हुआ है तो ऐसे हम निकाल लेंगे इसको। तो लिखेंगे यहाँ से, देखिए ये जो है आपका कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल इसको हम निकालेंगे ऐसे। तो चलिए देखते हैं, दिया है 3/2 अपवर्तनांक वाला है ना, तो एएनजी का मान आपका है कितना, 3/2 बराबर क्या होगा प्रकाश की चाल, यहाँ पे आपका दिया हुआ है 3×10^8, 3×10^8 बटे कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। देखिए हमने यहाँ पे कुछ अपने मन से नहीं लिखा है, जो भी दिया गया है हमने केवल वही लिखा है। अपवर्तनांक हमको दिया गया है कांच का 3/2, हमने 3/2 यहाँ पे लिख दिया,
प्रकाश की जो चाल है वायु में वो दिए गए था, वायु प्रकाश की चाल हमने यहाँ पे लिख लिया 3×10^8। पूछ रहा है कांच में प्रकाश की चाल, इसको बट्टी हमने रखा हुआ है। अब यही जो कांच में प्रकाश की चाल है इसको हम ऊपर लाएंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल यही हमको निकालना है। अब बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से आपका क्या कटेगा, क्या बचेगा इसको हम देखते हैं। ये 3×10^8 ये आपके था ना, 3×10^8। अब देखिए ये जो आपका 2 है यहाँ, ये जो है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक, ये मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा तो 2×2 हो जाएगा, 2×2। ये जो 3 है ये नीचे आ जाएगा, ये यहाँ पर चलेगा, ये यहाँ पर आएगा, ऐसे उल्टा होता ही है, ठीक, / 3। अब क्या करेंगे हम इसको 3 से 3 काट देंगे, आपका देखिए फाइनली आंसर आने वाला है। आंसर क्या होगा आपका, 2×10^8, 2×10^8 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। देखिए कैसे आपको करना है कि वायु के सापेक्ष जो पदार्थ का अपवर्तनांक था वही हमको निकालना था, ठीक। अब अपवर्तनांक को दिया हुआ था पहले से 3/2, तो वायु में प्रकाश की चाल ये भी आपका दिया हुआ है, कांच में प्रकाश चाल हमसे पूछ रहा था, तो बराबर हमने इसको रख दिया 3/2 करके, प्रकाश चाल लिख दिए, नीचे आपको कांच में प्रकाश की चाल निकालना है, इसको रख दिए। अब ऐसे लिखिए आपका सॉल्व हो गया, कांच में प्रकाश की चाल कितनी थी इसको लिख दिए, आ गया बेसिकली आपने कट कर दिया, आ गया। ये जानिए अगर आप इसको छोड़ते हैं, आप स्किप करेंगे तो आपका इसमें घाटा होगा, क्योंकि ये आपका सीधे आप चलिए आपका एक पैर आपका तोड़ देगा, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका पैर ये जरूर तोड़ेगा। अगर आप तैयार नहीं करके जाते हैं तो आपके नंबर बहुत ही कम आने वाले हैं। तो जो आपने सपने देखे हुए हैं, अच्छे अच्छे ख्वाब आपने देखे हुए हैं, 95%, 90%, 80% लाने के जो आप ख्वाब देखे हुए हैं आपका पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए आप जितने भी न्यूमेरिकल हैं, साइंस के हों, मैथ के हों, उसको आप तैयार करिए, नहीं तो आपकी जान लीजिए नंबर अच्छे नहीं आएंगे। और इसलिए बता रहे हैं आपको सब फ्री में नोट्स और PDF आपको बिल्कुल मिल जाएगा। टारगेट आपका 95% जो है, अगर आप इसको तैयार करते हैं तभी आपका कंप्लीट होगा। भैया आप तैयार करिएगा इसको। चलिए देखते हैं दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरी तैयारी बिल्कुल आपके यहाँ पे फ्री में होने वाली है। चलिए देखते हैं अगला क्या है। देखिए अगला क्या पूछ रहा है, कह रहा है किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। ठीक है, ये पूछ रहा हमसे कि किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी f का जो मान है यहाँ पे, देखिए ऐसे लिख लेते हैं, f बराबर क्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक, दूरी वाले अवतल दर्पण, यानी कि अवतल दर्पण जो है अब यह के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो वस्तु को हम लिखते हैं यू से, और अवतल दर्पण इसलिए माइनस यू हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, ऐसे ही होता है, अवतल दर्पण में सारी चीज़ें माइनस में लिखी जाती हैं, तो इसलिए आपका ये भी माइनस में आपका आएगा, ये जो है माइनस में, अवतल दर्पण इसलिए जितनी आपकी राशि होंगी सब माइनस में लिखी जाएंगी। इसलिए देखिए इसका मान क्या होगा, माइनस बीस सेंटीमीटर, ये आपका हो गया। अब चलिए देखते हैं हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे V का मान पूछ रहा है, ठीक, V का मान हमसे पूछ रहा है ना कि रखी वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तो B का मान हमसे डायरेक्टली पूछ रहा है, तो B का मान हमको बताना है। अब आपको ये बता दें ये जो आपका मान है या भी आपका माइनस में ही आएगा, तो चलिए देखते हैं कैसे लगेगा। वीडियो को आप आगे देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चलिए देखते हैं कैसे लगता है ये सवाल। आपने एक फार्मूला जरूर पढ़ा होगा कि 1/B + 1/U = 1/F होता है, ठीक, आपने इस फार्मूले को जरूर पढ़ा होगा क्लास में। नहीं पढ़े हुए हैं तो फिर भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसको हमको बताते हैं कैसे ये लगता है, ये फार्मूला ही क्या होता है। देखिए ये आपका होता है 1/U + 1/V = 1/F, ठीक, ये आपका फार्मूला होता है। अब इसी की बेस पे हम सवाल को रख देते हैं, देखिए कैसे नहीं आएगा, एकदम बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। वीडियो का जरूर इन तक देखिएगा, इसमें आप ही का फायदा होने वाला है। चलिए देखते हैं कैसे लगता है। ये आपका होगा 1/U का मान था ना -20, फिर से आप देखिएगा यू का मान -20 हो गया प्लस। अब देखिए यहाँ पे बी का मान आपको निकालना है 1/V, एफ का मान देखिए आपका दिया हुआ था -10 सेंटीमीटर, तो उसी हिसाब से लगाएंगे -10, ये हो गया। अब केवल इसी को सॉल्व करना है, बस हमें इसी को सॉल्व करना है, बाकी और कुछ नहीं करना। तो 1/V जो है इसको इधर रखते हैं, इसी तरफ रखते हैं, उसके बाद इसको ट्रांसफर कर देते हैं, तो 1/V बराबर देखिए 1/V हो गया, तो ये आपका माइनस जो है इधर चला जाएगा, तो 1/ देखिए -20
ठीक, ये माइनस आपका इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सॉरी ये हो गया। अब आपका जो माइनस है ये तो आपका पहले से ही रहेगा वन अपान दस, ठीक एक बटे दस ही आपका हो गया। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो वन अपान बी बराबर एल सी एम लेंगे इसका हम, ठीक एल सी एम ले रहे हैं, देखिए क्या बनता है एल सी एम इसका। एल सी एम इसका 20 आएगा, 10 और 20 का एल सी एम जो होता है आप निकालेंगे तो 20 ही आएगा, इसका एल सी एम आपका 20 आ जाएगा। अब इसको क्या होगा, 20 का नंबर 20 एक बार जाएगा, माइनस 10 दूनी 20 दो बार जाएगा, ठीक ये आपका हो गया। तो वन अपान बी बराबर वन अपान बी बराबर आपका आएगा माइनस एक बटे 20, ठीक आपका ये आपका हो गया माइनस एक बटे 20। वीडियो का आप इन तक जरूर देखिएगा, मोबाइल पर स्कूल चैनल आपको अच्छे से समझा रहा है, आप इसको पूरा अच्छी तरीके से तैयार करिएगा, इसका आप नोट्स बनाइएगा, कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट करिएगा, वीडियो का कैसी लगी आपको ये जरूर आप बताइएगा, लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप शेयर करिए। और आपका जान लीजिए मैथ अगर आपका वीक है, फिजिक्स वीक है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मोबाइल पर स्कूल जो चैनल आपके साथ है पूरा कंप्लीट आपका कराएगा, आपका नंबर कहीं से भी कम नहीं होने दिया जाएगा, ये हमारी गारंटी है। तो चलिए देखते हैं इतना सॉल्व कर लिए। अब बी का मान हमें निकालना था तो बी ऐसे डायरेक्ट निकल गया यहाँ से, b बराबर माइनस 20, ठीक b ये देखिए माइनस में है ना, b बराबर माइनस 20 सेंटीमीटर आंसर आपका, आपका भैया हमने बताया था ना माइनस में आपका आएगा आंसर, देखिए माइनस में आपका आंसर आ भी गया। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत शानदार, ये बहुत शानदार और बहुत छोटा है, अगर आपको मालूम है कैसे लगता है तो बहुत छोटा है, जिनको नहीं मालूम है कैसे लगता है तो उनके लिए समझ लीजिए काल है, 2019 में आया, 20 में आया, 22 में आया, तीन साल देखिए आपका आ चुका है और पहले भी आता रहा है, लेकिन लास्ट कुछ सालों में ये तीन बार ही आया है। तो चलिए देखते हैं कैसे लगता है क्वेश्चन, ये पूछ रहा है क्या कि एक लेंस की क्षमता जो है एक डायोप्टर है, तो डायोप्टर को देखिए हम कैपिटल डी से लिखते हैं, डायोप्टर को कैपिटल डी से लिखा जाता है, तो बोलना एक लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, हमसे एफ का मान पूछ रहा है और डी का मान दिया हुआ है, तो आपने एक फार्मूला जरूर पढ़ा होगा कि एफ बराबर वन अपान पी होता है, एफ बराबर वन अपान पी, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो आप देखिए इसी के माध्यम से हमको निकालना है, तो देखिए क्या होता है, वन अपान जो पी होता है इसका मान होता है एक, इसका वन अपान पी का मान भी होता है 100। देखिए क्यों होगा, जो पी का मान है वो 100 होता है, इसको आप इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे या बराबर पी कर लेंगे या फिर एक कर लेंगे इसको बटे एक, अगर यहाँ पर हम कर दें ठीक तो क्या होगा, यह बराबर पी हो जाएगा, ठीक। अब जो एक या हमका मान पूछ रहा है ये एक डायोप्टर, एक का मतलब 100 होता है, ठीक यहाँ पे एक का मतलब 100 हो जाएगा, तो वन अपान पी बराबर इसको करेंगे 100 बटे 1, तो आपके पास आ गया आंसर आपका, यह बराबर हो गया ना, यह बराबर आपका, यह बराबर 100 सेंटीमीटर, यही होगा। अगर आपका एक है तो एक 100 आ जाएगा, 2 है तो 200 आ जाएगा, 3 है तो 300 आ जाएगा, उसी हिसाब से आपका लगेगा। तो इसलिए आप अच्छे से तैयार करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम होती है कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में तो आप मोबाइल पर स्कूल चैनल को आप जरूर याद करिएगा, कहीं भी कोई दिक्कत होती क्लास टेंथ में कोई भी चैप्टर आपका छोड़ा नहीं जाएगा, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस संस्कृत जितने भी आर्ट हैं जितना भी सब कुछ ही आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा बिल्कुल फ्री, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा इसका। और बाकी अदर जो वीडियो आपके अपलोडेड हैं या अपलोडेड होने वाले हैं उसके सारे के सारे नोट्स और पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे, मोबाइल पर स्कूल जो आपका टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मिल जाएगा या वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। टारगेट आपको जो 95% है वो बिल्कुल आपको अचीव कराने में ये चैनल बिल्कुल ही आपका मदद करने वाला है, और लिंक जो इसकी है आपको सारी की सारी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगली वीडियो मिलने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन करिएगा और अच्छे से आप तैयारी करिएगा, इसका नोट्स आप बिल्कुल बनाइएगा। तो तब तक के लिए बाय और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।